बार आ चुका हूँ छठ पूजा के घाट पे। ये जो देख रहे हो आप, ये छठ पूजा का घाट है और यहाँ पे आया हूँ। पापा भी आए हुए और आते आते ये नेचर भी देखते हुए आया, और एक मिस्टेक भी हो गया। मिस्टेक ये हुआ, अभी आपको दिखाई देता हूँ कि क्या मिस्टेक हुआ। वैसे आया मैं साइकिल से, बता देता हूँ, पर थोड़ा और कांड हो गया आज। फट गया टायर पूरा, कितना खतरनाक फटा है, दिख रहा है वो अभी कितना खतरनाक तरीके से फटा है। उधर एक आने का रास्ता है, उधर आप देख रहे हो, दिखाता हूँ शायद दिख जाए इसमें, हाँ वहाँ से आने का रास्ता है। तो आते वक्त साइकिल की टायर आज फट गई। आप देख रहे हो यहाँ का घाट है लेडीज़ के लिए, मतलब कपड़े चेंज करते हैं, और ये छठी माई की तैयारी चल रही है। बस अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और दिख रहा है ना, ये छठ पूजा की तैयारी के लिए घाट लगाया गया, और यहाँ पे हमने ड्रोन शूट किया था। हो रहा है इस्कॉन टेम्पल जो आप देख रहे हो, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है और वहीं पे राम मंदिर है, और आज तैयारी ऐसी चल रही है। मेहनत पूरा कम्प्लीट हुआ है अभी जाकर। अभी तो सब लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हो आप पीछे। तो अब हुआ कि चलो छोड़ो, जाने दो, आगे अपना तैयारी चालू करते और मिलते एक न्यू स्टेप में, यानी कि शायद हो सकता है तो कल सुबह, या फिर कल का कुछ पता नहीं, कल कब मिलना है कल नहीं। उसे दिखाया था आपको कितना मेहनत किया गया और पूरा कैसा था ये पहले, और कैसे से कैसा बनाया हमने। पहले ऐसा था ये जो हमने यहाँ पे मेहनत किया है वहाँ पे, ये पूरा एकदम ऐसा था, एकदम सिंपल था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा मेहनत किया, वो दिखा देता हूँ आपको। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, शाम के कुछ 6 या 7 बज रहे होंगे। अभी यहाँ पे सब फैमिली आई हुई है प्रसाद लेने। तो जो दिख रहे हो मेरे घर का सीन है, और ये जो है छोटा भाई है मेरा। मम्मी तो अभी खाना खा रही है, मतलब प्रसाद कह सकते हो आप, यही प्रसाद खा रहे हैं। जब मम्मी खा लेगी तो हम सब भी खाएंगे। अभी अगले सुबह हो चुका है, और मम्मी जो है आंटी मम्मी, वो दोनों ठेकुआ पूरी बना रहे हैं जो आप देख रहे हो, वो ये रहा। दोनों काम में लगे हुए हैं, तो हुआ कि चलो मैं भी थोड़ा हाथ बटा दिया, तो मैंने भी हाथ बटा दिया था। और अभी जो आप देख रहे हो कि मैं रिक्शे में जा रहे छठ घाट, ये जो देख रहे हो आपकी दौरा है, मतलब इसमें बहुत सारे फूल सब रखा है, प्रसाद रखा है। और यहाँ से मैं आ चुका हूँ इस्कॉन टेम्पल के पास, जहाँ पे हमने घाट बनाया था, देख सकते हो। ये यहाँ का ही वीडियो मैंने दिखा दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत मतलब बहुत, देख सकते हो आप। और अभी जहाँ पे हमने घाट बनाया वहाँ पे हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यह सीढ़ी है, यहाँ से अभी जा रहा हूँ, आप देखते रहो कि हम लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं और कैसे नहीं। ये जो है यहाँ पे आकर रख दिया हूँ, सब लोग आ चुके हैं, मम्मी आई है, आंटी आई है, अभी भी और लोग आना बाकी है। और ये अभी इस समय में ऐसा कुछ दिख रहा है। शाम के कुछ 5:30 हो रहे हैं, और पब्लिक है कि धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, देख रहे हो आप मेरे पीछे, है ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है यहाँ पे। तो हुआ कि चलो अभी थोड़ा बाहर से होकर देखा जाए कि कैसा है नेचर और कैसा नहीं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और ये जो है इस्कॉन मंदिर जो आप देख रहे हो वो है, और बाजू में जो आपको दिखाया वो होटल है जहाँ पे आप रुक सकते हो अगर जो टेम्पल में आ रहे हो। तो अगर चलो दिखा देता हूँ, शाम का कुछ टाइम हो चुका है और चलते हैं अब आगे और देखते हैं। मंदिर का पीछे का व्यू ऐसा कुछ दिखता है जो कि बहुत कम लोगों ने देखा है, और गए भी बहुत कम लोगों हैं, जो कि सोचा कि चलो दिखा देता हूँ। तो अब देख लो कि कैसा है मंदिर का पीछे का व्यू। और अभी हम जा रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक इकट्ठे हो चुकी है, अभी तो कल सुबह बाकी है। ये जो आप देख रहे हो अभी शाम का सीन है, अभी सुबह घाटी बाकी है, तभी शाम के टाइम पे कुछ इतने लोग आए हुए हैं जो आप देख रहे हो। अब चलते हैं, आपको एक बार दिखा देंगे कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे। और हर साल होती है, बट पिछले साल लॉकडाउन था इसलिए नहीं हो पाया, और मैं ब्लॉगिंग चालू भी नहीं किया था उस साल। तो चलो
अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मूर्ति बनाया गया है छठी माई का, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पूजा में व्यस्त है, कितने लोग बातचीत में व्यस्त है ना, जो कितनी सारी एकदम वहाँ तक पूरी लाइन पे भीड़ ही भीड़ है वहाँ तक। हर साल ऐसा होता है हमेशा, क्या ही बता दें अब। तो अभी थोड़ा जाने का टाइम हो चुका है कि चलो अब घर चलते हैं, तो इसलिए मैं हुआ गौर लाग प्रणाम कर लूँ, यानी कि गौर लाग लूँ। तो ये जो छठी माई का दिखा हुआ सब हमने बनाया था, पर यहाँ पे था चूना डालकर अच्छे से बना दिया गया। तो हुआ कि चलो पूजा वूजा कर कर अब चलते हैं घर, फिर मिलेंगे कल सुबह। हमें शाम सुबह के 3 बजे भी कुछ हमको आना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल चलते हैं, दौरा उठाते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दौरा उठा लिया है और यहाँ से वीडियो बनते हुए चलते हैं अब घर पे। तो मिलते हैं अब घर पे और देखते हैं घर का हाल कैसा है, घर पे सब कैसे हैं और कैसे नहीं। वैसे यहाँ पे फोटो तो हर कोई खिंचवाने के लिए इकट्ठे हो गए थे सब। और देखो शाम का वही सीढ़ी है जो अंधेरा हो चुका है घर आते आते, अभी तो घर जा ही रहे हैं रास्ते में हम लोग। अभी यहाँ से हुआ कि चलो चलते हैं घर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी घर पे तो आ चुका हूँ और शाम के कुछ 8:30 हो रहे होंगे। हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं, जो कोसी कहते हैं ना वो कोसी हम लोग भर दिए है, ये कुछ 12 दिया है, 12 दिया का करके हुआ कि चलो सब दिया जला लो और यहाँ पे कुछ पूजा कर लो। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आई हुई है और मेरे भाई भी है। यहाँ पे अभी सब आएंगे, दिया जला तो लिए, अभी अगरबत्ती दिखाएंगे और दिखाने के बाद फिर सब मिलते हैं आगे। यहाँ पे जो भी है सब अपने घर वाले ही है। ये जो आप देख रहे हो मम्मी के हाथ में छोटा बाबू है, और ये भाई है मेरा जो चाची का लड़का है, मम्मी चाची और छोटा भाई। अभी तो बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा रो रहा है, पर कोई नहीं होता है। और ये रहा, हमने कुछ ऐसे सजाया है, ये जो दिया जलाया हुआ है जब तक बुझता नहीं है तब तक सब साथ में बैठे रहते हैं। कुर्सी जो कुर्सी कहते हैं ना वो ऐसा है कुछ जो आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे, सबके सब यहाँ पे ही। कुछ 3 बज रहे हैं और यहाँ पे हमने कोसी का जो होता है पूजा वो हमने कर लिया है। आप देख रहे हो कि अभी भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अब आना चालू हो गए सब। और अभी जाकर मेरे को टाइम मिला है तो आके चलो वीडियो दिखा देता हूँ आपको कि सुबह का अगले दिन सुबह कैसा नेचर है और कैसा नहीं। तो इस्कॉन टेम्पल से होकर अपने जहाँ पे हमने घाट बनाया था वहाँ पे हम जा रहे हैं। मैं हुआ कि चलो अब थोड़ा सा लेट हो गया हूँ बिकॉज फैमिली तो कब की पहुँच गई है, तो घर से क्या है कुछ सामान लेने के लिए भेजा गया मेरे को कि जा वो मैं भूल गया हूँ लेकर आ। तो हुआ कि चलो अभी कैमरा थोड़ा टाइम हाथ में आया है तो हम वीडियो बनाते हैं और आगे बढ़ते। देखो सुबह में कितना अच्छा, सूरज भी निकल चुका है यहाँ पे, पूरा लाल लाल हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो दिख रहे हैं बहुत सारे हैं, कल से ज़्यादा हो चुके हैं लोग, अच्छा लग रहा है देखकर। पर यहाँ पे साल में दो ही दिन होता है जो यहाँ पे भीड़ होता है, बाकी किसी दिन दिखेगा नहीं, यहाँ पे इतने सारी पब्लिक नहीं दिखेंगे। तो अभी होते होते चलो अपने छठ घाट की तरफ पहुँचते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग सेवा करते हैं, सेवा में जो आपने देखा है चाय बना रहे हो तो सेवा है, वो बेच नहीं रहे तो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और चाय फ्री में बांट रहे हैं। और यहाँ का सूरज ज़्यादा निकल चुका है और हम भी थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ अर्घ देने के लिए, पर क्या करें चलते हैं अर्घ देते हैं। थोड़ा मोबाइल का ब्राइटनेस को कम किया हूँ ताकि जो सूरज का अच्छे से लुक देख रहे हो, जो हमारे आँख से देख रहे हैं वैसा आप देख सको। तो अभी है ना मैं अर्घ देने जा रहा हूँ, यहाँ पे पानी के अंदर मम्मी खड़ी हुई है
पापा भी अंदर हैं, तो वह चलो अर्घ दे देता हूँ मैं। जो आप देख रहे हो वो हाथ में लोटा लिया है मैंने, उससे दूध है और यहाँ पे ऊपर अर्घ दिया जाता है। पापा यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ हमें अर्घ देना चाहिए। और एक और बात कि यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे तो कम ठंडी है, पर जो हमारे गांव साइड होता है ना वहाँ पे तो आप जो कुहासा कहते हो ना वो हो जाता है, मतलब एक टाइप का स्मोक जो फॉग कहते हैं ना फॉग, वो होता रहता है बहुत, मतलब धुंधला धुंधला, जल्दी कोई दिखता ही नहीं है। पर यहाँ पे क्या सिटी है तो थोड़ा कम है, तो हम चलते हैं देखते हैं। यही सब है हमारी कहानी, यही है छठ मैया का पूजा। और इसमें एक और बात है कि एक भी मिस्टेक होना नहीं चाहिए, हाँ हर एक काम करो तो हाथ धोकर करो। और इसमें मेरे को दोहराया बहुत गया है, घर वाले ने बहुत दोहराया है कि एक सामान लेकर आ, ये सामान लेकर आ, वो सामान लेकर आ। इसी को कहते हैं छठ पूजा, यानी कि दोहर भाग का पूजा है ये। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, और जो हमारी मम्मी है और बहुत सारी आंटियाँ भी हैं, तो वो सब उपवास करती है और इसमें एकदम पूरा पानी भी नहीं पी सकते हैं, इतना खतरनाक उपवास होता है। तो चलो अब यहाँ से भी अर्घ दे दिया जो मेन होता है, अब होते होते हुआ कि चलो दिखा देता हूँ कि लास्ट का सीन कैसा है ना। ये जो आप देख रहे हो ये आगे भी और पीछे भी, ये मेरे फ़ोन का सिस्टम है, तो हुआ कि चलो ये भी एक बार ट्राई कर लिया जाए, देख लो कितना अच्छा दिख रहा है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सूरज कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे अब जाने का टाइम हो चुका है, कुछ देर रुकेंगे फिर हम चलते हैं घर पे, वहाँ पे जाकर सबको प्रसाद देने का है, तो वहाँ अभी चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखो कल से ज़्यादा भीड़ आज है, यहाँ पे मैंने दौरा उठा लिया है और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। जो मेरे सर पे दौरा रखा हुआ है ना, यानी कि जो देख रहे हो आप, वो पापा को दे दूँगा, वो रिक्शे में लेकर चल जाएंगे और मैं अपनी स्कूटी से घर पहुँचूँगा। चलो अब चलते हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। हैप्पी छठ पूजा।